हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम स्टडीज। आज है 13th ऑफ जून। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट घाट प्रभा रिवर। यहाँ पर घाट प्रभा नदी के बारे में कुछ कथन दिया गया है जिस पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा रिवर एंड फ्लोज इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। सेकेंड, द हिरण्यकेशी रिवर एंड द मार्कंडे रिवर आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ घाट प्रभा। एंड थर्ड, अलमट्टी डैम इन कर्नाटका इज बिल्ट ऑन घाट प्रभा रिवर। और यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि घाट प्रभा नदी से संबंधित यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आपका थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जबकि फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। इसकी अगर हम ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो वो है हिरण्यकेशी और मार्कंडे रिवर। आप यहाँ देख सकते हैं। सो घाट प्रभा रिवर ओरिजिनेट्स इन द वेस्टर्न घाट्स एट एन एलिवेशन ऑफ 884 मीटर्स एंड फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 283 किलोमीटर्स बिफोर इट मर्जेस विद द कृष्णा रिवर। तो आप ध्यान रखेंगे कि घाट प्रभा जो है वो कृष्णा रिवर की सहायक नदी है। एंड द रिवर बेसिन इज 8,829 स्क्वायर किलोमीटर्स वाइड एंड स्ट्रेचेस अक्रॉस कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। सो ये नदी इन दो राज्यों में बहती है। अलमट्टी डैम की बात करें तो अलमट्टी डैम इज अ डैम प्रोजेक्ट ऑन द कृष्णा रिवर इन द नॉर्थ कर्नाटका एंड इसको कंप्लीट किया गया है 2005 में। तो अलमट्टी डैम कृष्णा नदी पर बनाया गया है। इसके साथ ही कुंजिकल फॉल इन इज इंडियाज हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया एंड इट इज क्रिएटेड बाय द वराही रिवर इन द शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका एंड इट इज अबाउट 455 मीटर इन हाइट। तो भारत का जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो है कुंचिकल फॉल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ दीज। यहां पर आपको बताना है कि हाल ही में खबरों में देखी गई जो ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये पहल किन दो देशों के बीच शुरू की गई है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया एंड यूएसए, इंडिया एंड यूरोपीय यूनियन, इंडिया एंड डेनमार्क या फिर इंडिया एंड स्वीडन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये किया गया है इंडिया और डेनमार्क के मध्य। आप यहाँ देख सकते हैं, द ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड्स ऑन एंड कंसोलिडेट्स द एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट एस्टैब्लिशिंग अ ज्वाइंट कमीशन फॉर कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क। सो द पार्टनरशिप इज म्यूचुअली बेनिफिशियल अरेंजमेंट्स टू द एडवांस पोलिटिकल कॉपरेशन एक्सपैंड इकोनॉमिक रिलेशन एंड ग्रेन ग्रोथ। भारत की बात करें तो इंडिया इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट CO2 इमिटर एंड बाई 2030 द कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू हैव डबल्ड इट्स कार्बन इमिशन। वहीं अगर डेनिश गवर्नमेंट की बात करें तो डेनिश गवर्नमेंट हैज एन एम्बिशन टू रिड्यूस CO2 इमिशंस विद 70% बाई 2030 एंड इट एम्स टू अंडरटेक इंटरनेशनल लीडरशिप ऑन SDG 7 ऑन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। सो आप ध्यान रखेंगे, ये जो ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है ये भारत और डेनमार्क के मध्य हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। यहाँ पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, BIS इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोडक्ट्स सर्विसेज एंड सिस्टम्स इन इंडिया। एंड सेकेंड, BIS ऑपरेट्स ओनली इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर विद नो रोल इन द एग्रीकल्चर और कंज्यूमर सेक्टर।
और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि भारतीय मानक ब्यूरो से संबंधित यहां पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहां पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है। आप यहां देख सकते हैं, सो BIS इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेशन, रिकॉग्निशन एंड प्रमोशन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड इट सेट्स स्टैंडर्ड्स फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड सिस्टम्स, इंश्योरिंग क्वालिटी एंड सेफ्टी। सो BIS डज नॉट ऑपरेट सोलली इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, इट ऑल्सो कवर्स एग्रीकल्चर एंड कंज्यूमर सेक्टर्स। एंड BIS सेट्स स्टैंडर्ड फॉर अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। सो BIS की बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड इट इज द नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसको स्टैब्लिश किया गया बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 2016 विच केम इन टू इफेक्ट ऑन 12 अक्टूबर 2017। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान समय में इसके डायरेक्टर हैं प्रमोद कुमार तिवारी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज्ड द वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2024। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2024 को जारी किया है। आपके ऑप्शंस हैं UNDP, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड या फिर नन ऑफ डीज। आपको बताना है कि विश्व वेल्थ रिपोर्ट जो है वो कौन सी संस्था ने जारी किया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से किसी संस्था ने इसको जारी नहीं किया है। आप यहां देख सकते हैं, सो द कैप जेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसेंटली पब्लिश्ड वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2024 एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इंडियाज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इंक्रीज्ड बाई 12.2% इन 2023 एज कंपेयर टू 2022 एंड अकॉर्डिंग टू द केप जेमिनी वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट देयर आर नाउ 3.589 मिलियन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इन द कंट्री। द फाइनेंशियल वेल्थ ऑफ इंडियाज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इंक्रीज्ड बाई 12.4% इन 2023 to $1,445.7 billion up from the 1,286.7 billion in 2022. So globally, high net worth individuals' wealth and population rose by 4.7% and 5.1% in 2023. So according to this report, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की है वो वेल्थ के रूप में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो हुआ है 4.7% और पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ है 5.1%। सो ये जो रिपोर्ट है ये कवर करती है 71 कंट्रीज अकाउंटिंग फॉर मोर देन 98% ऑफ ग्लोबल ग्रॉस नेशनल इनकम एंड 99% ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन। और अब ध्यान रखेंगे कि वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2024 को जारी किया है केप जेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। यहां पर वैश्विक प्लास्टिक संधि के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द ट्रीटी एम्स टू रिड्यूस प्लास्टिक पॉल्यूशन बाई सेटिंग लीगली बाइंडिंग टारगेट्स फॉर ऑल मेंबर कंट्रीज एंड सेकेंड, द ट्रीटी वॉज अडॉप्टेड बाई द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज इन 2024 एंड थर्ड, द ट्रीटी फोकसेस सोलली ऑन रिड्यूसिंग सिंगल यूज प्लास्टिक्स।
सो यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि वैश्विक प्लास्टिक संधि से संबंधित यहां पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहां पर केवल आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि सेकंड और थर्ड ये इनकरेक्ट हैं। आप यहां देख सकते हैं। द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी वॉज इनिशिएटेड इन 2022 एंड इट इज वाइटल इंटरनेशनल एफर्ट एम्ड एट कॉम्बैटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन ऑन अ ग्लोबल स्केल एंड इट वॉज इस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द फिफ्थ यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट असेंबली इन नैरोबी कीनिया एंड द ट्रीटी हैज प्रोग्रेस्ड थ्रू वेरियस मीटिंग्स वर्ल्ड वाइड, जिनमें शामिल है डकार सेनेगल में, उरुग्वे, पेरिस फ्रांस में इसकी मीटिंग हुई है, देन कीनिया में हुई है और कनाडा में हुई है, और इसकी जो फाइनल मीटिंग है वो सेट की गई है कि उसका आयोजन साउथ कोरिया में किया जाएगा और इसका आयोजन नवंबर 2024 में होगा। सो व्हाइल द ट्रीटी डज एड्रेस सिंगल यूज प्लास्टिक्स, इट इज नॉट लिमिटेड टू दिस एस्पेक्ट अलोन। द ट्रीटी इनकम्पासेस ब्रॉडर मेजर्स इंक्लूडिंग प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड द प्रमोशन ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिसेस। तो अगर हम इस इनिशिएटिव की बात करें, इस ट्रीटी की, तो इन मार्च 2022 175 कंट्रीज वोटेड एट द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल असेंबली इन नैरोबी केन्या। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली अ रेयर फोर हॉर्न्ड एंटीलोप हैज बीन साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस बाघ अभयारण्य में पहली बार एक दुर्लभ चार सींग वाला मृग देखा गया है। आपके ऑप्शंस हैं वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, पेच टाइगर रिजर्व या फिर पन्ना टाइगर रिजर्व। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये देखा गया है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में और ये स्थित है मध्य प्रदेश में। आप यहाँ देख सकते हैं। अ रेयर फोर हॉर्न्ड एंटीलोप ऑल्सो नोन एज चौसिंघा वॉज साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जिसका पहले का नाम रहा है नौरादेई सेंचुरी। सो द स्मॉलेस्ट एंटीलोप टिट्रैसरस क्वाड्रिकॉर्निस इज एंडेमिक टू इंडिया एंड नेपाल एंड दीज एंटीलोप्स इनहेबिट ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट एंड हिली टेरेन्स विद सिग्निफिकेंट ग्रास और अंडरग्रोथ कवर डिस्टिंग्विश्ड बाय फोर हॉर्न्स, ओनली मेल्स ग्रो देम। सो इस स्पेसीज की बात करें तो इसका जो IUCN स्टेटस है रेड लिस्ट में वो है वल्नरेबल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज बिन अपॉइंटेड एज द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया सेक्रेटरी फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, 3 साल की अवधि के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं पंकज कुमार सिंह, रवि गुप्ता, रविंदर सिंह या फिर इंद्रपाल सिंह। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये चुने गए हैं इंद्रपाल सिंह। आप यहाँ देख सकते हैं, इंद्रपाल सिंह बिंद्रा हैज बिन अपॉइंटेड एज द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सेक्रेटरी फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर्स एंड ही विल रिप्लेस अनुपमा आनंद हु हैज रिजाइंड आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड इन सितंबर 2023। सो बिफोर दिस अपॉइंटमेंट बिंद्रा वॉज पोस्टेड एज एन ऑफिसर इन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सेक्रेटरी पोस्ट की बात करें तो द सेक्रेटरी इज द नोबल ऑफिसर ऑन द बिहाफ ऑफ द कमीशन फॉर मेकिंग और रिसीविंग ऑल द स्टेट्यूटरी कम्युनिकेशन। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इट इज द चीफ नेशनल कॉम्पिटिशन रेगुलेटर इन इंडिया और ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है जो कि वर्क करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स।
एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 टू प्रमोट कॉम्पिटिशन एंड प्रिवेंट एक्टिविटीज दैट हैव एन अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कॉम्पिटिशन इन इंडिया. तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है और वर्तमान समय में इसके चेयरपर्सन हैं रवनीत कौर. बढ़ते हैं. सो आज के करंट अफेयर क्वेश्चंस में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.